बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं प्रोफेसर तारिक महमूद कादरी और आप देख रहे हैं मैथ सिटी। हम नंबर थ्योरी पढ़ रहे हैं और आज उसका 37th लेक्चर है। और आज के लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो है डिवीजन एल्गोरिथम या यूक्लिडियन एल्गोरिथम भी इसे कहते हैं। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? कहता है कि इफ ए एंड बी आर इंटीजर्स सच दैट ए इज ग्रेटर देन बी एंड बी इज ग्रेटर देन जीरो। यानी हमारे पास दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। फर्ज कर लेता हूँ मैं आपको समझाने के लिए कि मेरे पास जो ए है फर्ज करें 9 है और बी जो है वो फर्ज करें 2 है। डेफिनेटली यहाँ पे आप अगर देखें तो ए इज ग्रेटर देन बी है और चूंकि दोनों पॉजिटिव हैं तो हम ग्रेटर देन जीरो कह सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट, कहता है कि फिर एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर्स। हमें दो इंटीजर्स मिल जाएंगे और वो दोनों क्या होंगे? यूनिक होंगे। क्यों हुआ? आर दो इंटीजर्स होंगे और वो यूनिक होंगे। यानी ए जब भी आप 9 लेंगे और बी जब भी आप 2 लेंगे तो क्यू और आर की वैल्यू वही आएगी। ये नहीं होगा कि एक दफ़ा क्यू की वैल्यू कुछ आए और दूसरी दफ़ा कुछ आए। सच दैट ए, यानी आप लिख सकते हैं 9 इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो कहता है कि अगर दो इंटीजर्स हों आपके पास तो उनको आप इस कम्बिनेशन में लिख सकते हैं। अब इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखें, फर्ज करें 9 मेरे पास ए है और इसको मैं डिवाइड करता हूँ, क्योंकि डिवीजन एल्गोरिथम हम पढ़ रहे हैं। तो 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो 2 4 8 एंड 1 इज रिमाइंडर। तो दिस इज आर एंड दिस वन इज क्यू। इसका मतलब है 9 को हम लिख सकते हैं बी क्यू और आर। तो जब भी दो इंटीजर्स होंगे तो ये जो है 4 और 1 जो है यानी क्यू और आर ये यूनिक होंगे। तो ये थ्योरम है हमारा। हमने प्रूव करना है कि कोई से दो इंटीजर जब भी हमारे पास होंगे तो हमें दो और इंटीजर्स यूनिक इंटीजर्स मिल जाएंगे जिनकी मदद से हम ये लीनियर कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। तो आप इसको प्रूव करने के लिए चलते हैं इसके प्रूफ की तरफ। देखें, कंसिडर दी सेट। हमने एक सेट बनाया है। अब एस सेट कैसा है? ए माइनस बी एन सच दैट दिस होल नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। अब हमने क्या किया है कि हमारे पास था 9 ए। 9 में से हमने सबसे पहले 2 का एक मल्टीपल माइनस किया, मेरे पास 7 आया। फिर 9 का एक और मल्टीपल हमने लिया तो हमारे पास 5 आया। फिर 9 का एक और मल्टीपल, 2 का एक और मल्टीपल लिया तो मेरे पास 3 आया। फिर एक और मल्टीपल लिया तो मेरे पास 1 आया। अब इससे आगे अगर करेंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ये जो मेरे पास नंबर आए 7, 5, 3 और 1, इसका मैंने क्या किया, एक सेट बनाया और इस सेट को क्या किया, एस का नाम दिया। यानी एस क्या है? ए माइनस मल्टीपल ऑफ बी सच दैट द नंबर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो। हो सकता है कभी यहाँ पे जीरो हो जाए। फर्ज करें मैं बी अगर 8 लेता हूँ यहाँ पे, सॉरी ए 8 लेता हूँ तो फिर यहाँ पे लास्ट में मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो यानी जीरो या जीरो से बड़े तमाम नंबर्स जो बी के मल्टीपल का इससे डिफरेंस लेने से आते हैं उसका मैंने एक सेट बना दिया। उम्मीद है एस की आपको समझ आ गई। इसको वर्डिंग में अगर मैं लिखूंगा तो मैं कहूँगा इन अदर वर्ड्स आई टेक ए। क्या किया मैंने? ए लिया एंड सब्ट्रैक्ट ऑल पॉसिबल मल्टीपल्स ऑफ बी। बी के जितने भी पॉसिबल मल्टीपल्स हो सकते थे वो मैंने क्या किया, उससे सब्ट्रैक्ट किया सच दैट तब तक ये जब तक ये पॉजिटिव रहा है या जीरो तक जा सकता है। ठीक है जी। अब देखें ये जो सेट है ये नॉन एम्प्टी सेट है। ज़ाहिर है इसके अंदर डिफरेंट नंबर्स हैं मेरे पास, तो क्लियरली एस इज अ नॉन एम्प्टी सेट। सो इट हैज़ अ स्मॉलेस्ट मेंबर से ए माइनस बी क्यू इज ग्रेटर। तो इसमें सबसे जो छोटा नंबर है यहाँ पे देखें तो 1 है और
फर्ज किया कि वो जो सबसे जो छोटा नंबर है वो या ज़ीरो हो सकता है या ज़ीरो से बड़ा होगा। इस केस में मेरे पास वन आया था, उसको मैंने क्या किया, उसको आर कर दिया। जिस तरह हमने डिवीजन में भी देखा था, अगर आप देखें जब आपने वहाँ पे डिवाइड किया था पिछली स्लाइड पे, तो वहाँ पे भी मेरे पास जो रिमाइंडर आया था वो क्या आया था, वन आया था, तो उसको मैंने आर ले लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में अगर बी के को दूसरी तरफ ले जाऊँ तो ए इज इक्वल टू बी के प्लस आर। तो यही मुझे एक चीज़ प्रूव करनी थी कि कोई से दो नंबर ए और बी के लिए हमारे पास क्यू और आर हमें मिल जाते हैं जिससे ये कॉम्बिनेशन बन जाता है। अब मुझे अगली बात जो साबित करनी है वो ये साबित करनी है कि जो पहली बात तो ये पॉजिटिव है या ये वाला यहाँ तक तो पोर्शन हो गया। अब मुझे नेक्स्ट ये साबित करना है कि ये जो आर है वो लेस देन बी है, ठीक है। यहाँ से तो हमें जब इसकी कैलकुलेशन करते हैं तो फिर तो पता चल रहा है कि वन जो है ज़ाहिर है उससे बी से छोटा ही है, लेकिन हमने मैथमेटिकली इसको प्रूव करना है कि जो आर है वो लेस देन बी है। नो वी हैव टू शो आर इज लेस देन बी। अब हम कंट्रडिक्शन मेथड अप्लाई करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि आर इज नॉट लेस देन बी, यानी आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। सपोज ऑन कंट्रेरी दैट आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी, तो अगर बी को दूसरी तरफ ले जाऊंगा मैं तो ये बन जाएगा आर माइनस बी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, बी किसके बराबर है अगर इधर से देखा जाए, सॉरी आर किसके बराबर है, आर की वैल्यू मैं निकालूंगा तो ए माइनस बी क्यू बन जाएगी इस एक्सप्रेशन से, और ये वाली वैल्यू मैं जब यहाँ पे पुट करूँगा आर की जगह पे तो ए माइनस बी क्यू माइनस बी, फिर इन दोनों में से बी और माइनस कॉमन लिया जा सकता है तो ए माइनस क्यू प्लस वन, ये क्या बन गया है ए माइनस एन बी टाइप बन गया फिर, ठीक है जी। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आ गई है मेरे पास, ए माइनस एन बी बना है और एन की वैल्यू क्या आ गई है क्यू प्लस वन। और इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो कहाँ पे हैं, वो सेट एस के अंदर मौजूद हैं। इसका मतलब ये होगा कि जो आर माइनस बी है ये बिलोंग करता है एस को, आर माइनस बी बिलोंग करता है एस को। अब देखें आर माइनस बी जो है वो डेफिनेटली आर से छोटा होगा, ठीक है ना। आर आर फर्ज करें मेरे पास सेवन है समझाने के लिए, तो इसमें से जब आर माइनस बी करूँगा तो बी कोई भी इंटीजर है, कोई भी वैल्यू हो सकती है ज़ीरो के अलावा। अगर बी की वैल्यू मैं वन भी लेता हूँ तो मेरे पास आर माइनस बी सिक्स आ जाता है। इसका मतलब है आर माइनस बी इज लेस देन आर। अब सेट के अंदर जो सबसे छोटा मेंबर है वो कौन सा है, वो आर है। और यहाँ हम कह रहे हैं कि आर माइनस बी वो भी एस में है, यानी वो आर से छोटा कोई नंबर भी एस के अंदर मौजूद है, हालांकि ऐसा नहीं है। ये क्या आ गई है हमारे पास, कंट्रडिक्शन आ गई है। और ये क्यों आई है, ये इस वजह से आई है कि हमने क्या किया है, आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू बी लिया है। तो यहाँ से ये जो हमारी सपोजिशन है इसका मतलब है ये रॉन्ग है। तो भाई अगर ये रॉन्ग है तो सही क्या होगा, सही होगा आर इज लेस देन बी, विच शोज दैट आर माइनस बी इज अ मेंबर ऑफ एस स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट मेंबर आर, यानी वो छोटा है किस से, जो सबसे छोटा नंबर है उससे भी छोटा, तो उससे छोटा तो नहीं हो सकता, विच इज़ अ कंट्राडिक्शन, दस आर इज लेस देन बी। तो अब ये सारा जो है जो स्टेटमेंट थी, पहले हमने प्रूव किया ए इज इक्वल टू बी के प्लस आर, फिर हमने ये प्रूव किया कि आर जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो है और लेस देन बी है, यानी ज़ीरो और बी के दरमियान में। अब जो चीज़ हमने प्रूव करने वाली हमारी रह गई है वो रह गई है यूनिकनेस, कि जो क्यू और आर हैं ये यूनिक मेंबर्स हैं, ये हमने प्रूव करना है। यहाँ तक तो हमने प्रूव कर दिया स्टेटमेंट, लेकिन अब एक चीज़ रह गई है वो है यूनिकनेस। अब यूनिकनेस के लिए हम क्या करेंगे, दो नंबर्स हमने कहा कि क्यू और आर यूनिक होंगे, तो हम कहते हैं कि नहीं ये यूनिक नहीं है, इसके अलावा कोई और नंबर फर्ज करते हैं क्यू वन और आर वन भी हैं जो इस सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। टू प्रूव द यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर सपोज देयर एग्जिस्ट क्यू वन एंड आर वन सच दैट, कहते हैं कि क्यू वन और आर वन दो नंबर हैं हमारे पास, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू वन प्लस आर वन विद ज़ीरो, आर वन इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो एंड लेस देन बी, ठीक है जी। तो हमने सपोज कर दिया है कि हमारे पास क्यू और आर के जगह क्यू वन और आर वन भी ऐसे मौजूद हैं जो सारे सिचुएशन में उसको सेटिस्फाई करते हैं।
ठीक है जी। और ये तो पहले से हमारे पास है। अब ये दोनों जो कि ए के बराबर हैं तो इनकी राइट साइड आपस में बराबर होगी, ठीक है जी। अब इसको मजीद करते हैं कि आर वाले एक तरफ कर लिए और बी क्यू वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, इधर से हमारे पास बी कॉमन आ सकता है तो उसको हम कॉमन भी ले लेंगे और फिर साथ ही हमने मार्ड ले लिया इसका, ठीक है जी। हमने दोनों तरफ मार्ड, बी तो हमें पहले ही पता है पॉजिटिव है इसलिए इसको मार्ड के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। बी अगर पॉजिटिव नंबर हो तो उसका मार्ड और वो दोनों आपस में बराबर ही होंगे, ठीक है जी। तो ये यहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ गई है, ठीक है जी। तो इसको हम कहते हैं इक्वेशन वन। अब देखें कि हमें पता है कि आर वन बी लेस देन बी है और आर बी लेस देन बी है, दोनों बी से छोटे नंबर हैं। तो अब ये दोनों अगर बी से छोटे हैं तो आर वन और आर का अगर मैं डिफरेंस लूँ तो वो भी ज़ाहिर है बी से छोटा होगा और मज़ीद छोटा हो जाएगा, और फिर उसका अगर साथ मार्ड ले लें तो वो भी बी से ही छोटा होगा। अब अगर इन दोनों को इकट्ठा रखा जाए, वन और टू को इकट्ठा पढ़ा जाए तो क्या होगा, आर वन माइनस आर मार्ड लेस देन बी है तो बी क्यू वन माइनस क्यू टू मार्ड क्या आ जाएगा, लेस देन बी वन आ जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ से बी दोनों तरफ से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, क्यू वन माइनस क्यू मार्ड इज लेस देन वन। अब जो मार्ड होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। और ये सारे हमारे पास फ्रिक्शन यहाँ पे कोई नहीं, सारे इंटीजर्स हैं, तो दो इंटीजर्स का डिफरेंस नेगेटिव ना हो और वन से छोटा हो, तो वन से छोटा कोई भी जो नेगेटिव इंटीजर, जो इंटीजर जो नेगेटिव ना हो वो क्या है, वो ज़ीरो है। तो इसका मतलब है ये क्या है, क्यों वन माइनस क्यों मार्ड इज इक्वल टू ज़ीरो है, क्योंकि वन से छोटा पॉजिटिव इंटीजर कोई भी नहीं होता और नॉन नेगेटिव इंटीजर जो है वो ज़ीरो है। तो यहाँ से हमारे पास अगर ये ज़ीरो है तो इसका मतलब है क्यों वन जो है वो क्यों के इक्वल है। इसको अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन यहाँ पर पुट करें, ये वाला इधर लगा दें ज़ीरो, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, आर वन माइनस आर वन मार्ड ज़ीरो, ठीक है जी। इसको उधर पुट कर देंगे ये आ जाएगा, तो यहाँ से आर वन, इसका मतलब है कि क्यों वन और कोई चीज़ नहीं है बल्कि क्यों ही है और आर वन भी आर ही है। इसका मतलब है क्यों और आर जो हैं वो यूनिक हैं, इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। दिस प्रूव द यूनिकनेस ऑफ क्यू एंड आर। तो इस तरह ये हमारा थ्योरम जो है वो कंप्लीट हो गया, यानी ए और बी के लिए दो हमें यूनिक इंटीजर मिल जाएंगे, सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो लेस देन बी। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करें। लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।